हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2020 के लिए जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के समय किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ, ठीक है, जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ उसमें से अगर एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास नहीं हुआ तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, अभी भी आपके पास काउंसलिंग के लिए समय है। आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड वगैरह सभी कुछ आ चुका है, तो काउंसलिंग के लिए अभी आपके पास कुछ दिनों का समय है। उस दिनों में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा, अन्यथा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कोई भी छात्र काउंसलिंग से वंचित ना रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको कौन कौन सी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग 2020 MBBS एडमिशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जब MBBS एडमिशन के समय एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपके पास होनी चाहिए। जब आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, नीट का, तो वो आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा, हॉल टिकट वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीट की जो रैंक कार्ड है वो रैंक कार्ड आपके पास होनी चाहिए। नीट की स्कोर कार्ड वगैरह जितनी भी है वो स्कोर कार्ड आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। रैंक कार्ड आपके पास, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका DOB सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, आप इसके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट का प्रूफ दे सकते हैं, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे ये आपकी कंफर्म हो सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट लेटर, जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर जब ही मिलेगा जब आप काउंसलिंग में पूरी तरह से हो जाएंगी, एडमिशन के समय आपको ये सीट अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है, काउंसलिंग के समय इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपके पास 2-3 साल पुराना सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपकी फीस रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी अभी कुछ समय पहले आपने किया है तो 12th की और 10th की मार्कशीट के साथ ही फ्रेंड सर्टिफिकेट दिया जाता है, अलग से सर्टिफिकेट नहीं। अगर आप पहले कभी हाई स्कूल और 12th किया है तो अलग से आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया होगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। PUC मार्क्स कार्ड आपके पास होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बिना एड्रेस प्रूफ के आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा काउंसलिंग में। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसेंटली वाला, ठीक है, जो अभी आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो। डोमिसल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। फैमिली की इनकम, आपके पिताजी या माताजी की इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिससे स्कॉलरशिप वगैरह में आपका लाभ रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड होना चाहिए, फोटो स्टेट उसकी हो, पेरेंट्स के एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसका अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास 8 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, जो अभी जल्दी में ही आपकी फ़ोटो क्लिक हुई हो, ऐसा ना हो 2-3 साल पुरानी फ़ोटो लेकर चले जाए, ठीक है, रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है तो आपको जो है यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आपको कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं फ्रेंड्स आपको सभी कुछ बताता रहा हूँ। नीट की कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ के ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बताया है कि 200 से लेकर अगर आपके 400 नंबर है फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किस तरह से मिलेगा वो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं जाकर वीडियो को।